हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आलम और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक व्यू दानिश पे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पे पुराने सामान से, पुराने एलईडी स्ट्रिप से किस तरह से एक लैंप बना सकते हैं, वो भी चार्जेबल, यानी अगर इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं यूएसबी इस एडाप्टर में लगा के। तो आप इसका रोशनी दिखा देते हैं, ये देखिए आप किस तरह कितना अच्छा ये रोशनी कर रहा है। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और कैसे इसको बनाना है, इसके मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लाइट को बनाने के लिए आपके पास सिंपली इस तरह के एक एलईडी स्ट्रिप आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो वही लगभग 10 से 15 रुपए में आपको ये आ जाएगा। तो इसे मैं कट करके रखा हुआ हूँ, ये देख सकते हैं आप, चार पाँच SMD वाला LED। तो एक स्ट्रिप चाहिए आपको LED का और एक क्रोमियम वायर, जिसे आम लैंग्वेज में इसे रंगा भी कहा जाता है, और आपको पेस्ट चाहिए होगा, ये पेस्ट चाहिए होगा, और आपको सिंपली एक चार्जेबल बैटरी अगर नहीं है आपके पास तो इस तरह का मोबाइल का भी बैटरी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ले लिया हूँ, और आपको चाहिए होगा एक सोल्डिंग आयरन। के बाद आपको एक चार्ज करने के लिए आपको USB केबल एक ले लेना है, और आगे वाला बाग को कट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ख़राब बॉडी लाइट का, मेरे पास टूटा हुआ बॉडी था, तो उसी में इसको सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आयरन हीट हो गया, जिसे धुआं निकल रहा है। तो ये LED के स्ट्रिप में आपको तार सोल्ड कर देना है। तो मैं तार को पहले पेस्ट लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे SMD में मैंने तार जोड़ के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट इसमें लगा दिया, और सिंपली आपको तार भी, जिस जो तार आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको में भी पेस्ट लगा देना है। ये लगा दिया। पेस्ट लगाने से ये सोल्डिंग आसानी से हो जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद इसमें ये जो क्रोमियम वायर है, इसको आयरन पे लगा देना है आपको। ये आप देख सकते हैं मैंने आयरन पे लगा दिया है। आयरन पे लगाने के बाद इस पर आपको सोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको तार को ज्वाइंट कर देना है। ये आप देख सकते हैं ज्वाइंट हो रहा है। ये बहुत ही आसान है और इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, दूसरे तार को भी इसी तरह से कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद आपको बैटरी में भी ज्वाइंट कर देना है। इसमें मैं यहाँ पे USB केबल में भी ज्वाइंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने USB को भी यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। USB केबल को भी मैं यहाँ पे सोल्ड कर दिया। USB केबल को मैंने सोल्ड कर दिया, इसे आप चार्ज से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये बैटरी में भी सोल्ड कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे बैटरी में सोल्डर कर दिया है। बैटरी में सोल्डर करने के बाद मैंने सिंपली जो जो इक्विपमेंट लिया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक लाइट का ऊपर वाला सिरा जो रहता है वो मेरे पास टूटा हुआ था लाइट से, तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये लाइट ले लिया है और इसको मैंने स्विच बना दिया है, ये दोनों टर्मिनल को, और एक यूएसबी केबल ले लिया है जिसका आगे से मैंने काट के यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तार यहाँ दोनों में एक तार जोड़ दिया है, और दोनों का जो जोड़ा हुआ भाग है उसमें भी एक उसको मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनल पे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, और फिर यहाँ से एक तार यहाँ पे मैंने इस स्विच को जो बनाया है स्विच में दे दिया है, और एक तार ये मैंने यहाँ पे इस एलईडी स्ट्रिप में दे दिया है, और फिर एलईडी स्ट्रिप से दूसरा सिरा मैंने यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे दे दिया है, जो ये दोनों ऐसे अगर इस दोनों को हम सटाते हैं तो ये एलईडी स्ट्रिप जलने लगेगी। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे सटाया तो एलईडी जलने लगी। ये रिचार्जेबल भी है, ये चार्ज भी होगा, आप सिंपली इसे एडाप्टर में लगा के चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फिनिश भी कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल फिनिश कर दिया है, ये बैटरी अंदर में दे दिया ताकि इसे ये निकलेगा यहाँ से नहीं, इस पर टेप मार दिया है, और इधर से मैंने ये यूएसबी चार्जर का केबल मैंने यहाँ से निकाल दिया है चार्ज करने के लिए। इसको सिंपली इसी में जब चार्ज नहीं करना होगा तो इसमें ऐसे करके इसी में रख देंगे तो ये नीचे भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश हो गया है। जैसे आपको यहाँ पर मैं यहाँ पे जला के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दोनों जैसे ही हटाएंगे ये देख सकते हैं लाइट जलने लगी, और जब इसे हटाते हैं तो ये देख सकते हैं ये बंद हो जाती है। तो इसके रोशनी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंधेरे में ये किस तरह रोशनी करता है। अगर एक रूम में ऐसे करके रख दिया जाए तो ये बहुत अच्छी रोशनी करेगी, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई बटन वटन का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये लाइट बन के तैयार हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी आप क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।